नमस्ते, कैसे हैं सब लोग आप? आज मिडनाइट सेशन में फिर एक बार आपका स्वागत करती हूँ। और स्लाइडर, एक मिनी बर्गर जो बहुत इजी रहता है वो बनाने में, इसलिए वो हम लोग मिडनाइट सेशन में करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत इजी वे से। देखिए, मिनी जो बर्गर रहते हैं, जैसे बर्गर पाव छोटा सा है ना, तो वो हम लोग ऐसे छोटे छोटे पाव लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फिलिंग कैसे बनाना है वो दिखाती हूँ मैं। चलिए गैस ऑन करती हूँ। इजी वे से बनने वाला, ना कुछ टिकिया बनानी है ना कुछ, इसलिए एकदम इजी वे से बनने वाला ये स्लाइडर। तो यहाँ देख सकते हैं, घर में जो जो हमारे यहाँ जो सब्जी रहती है वो हम लोग लेंगे, थोड़ा सा तेल, और इसके साथ हमारा सबका चहेता अमूल बटर, ये ले रही हूं मैं। वाओ, देखिए मैंने सब्जियां कुछ काट के रखी है, यहाँ कुछ पेपर्स है, तो आज तो मैंने ग्रीन पेपर यानी हमारा बेल पेपर जो रहता है शिमला मिर्च वो ली है। कॉर्न के दिन है भाई, तो कॉर्न, थोड़े से गाजर, और ये मैंने टमाटोज लिए हैं, ये सीडलेस है, मतलब जैसे उसकी सीड निकाल लिए, जो बीजे है ना जिसे पानी आता है वो निकाल ली है। और यहाँ पे पनीर है, आप चाहो तो वो भी डाल सकते हैं, थोड़े से आलू है, जो जो आपके घर में है ना वो आप डाल सकते हैं। वाओ, देखिए ये जो बटर की झुंझुनाहट जो मुझे पसंद है बहुत, तेल के साथ बटर जब मेल्ट होता है, क्या कहने भाई। चलिए तो सबसे पहले मैं लेती हूँ थोड़ा सा ये कॉर्न को स्टर फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। स्वीट कॉर्न लिया है, इसके साथ थोड़ा सा आलू, और आप चाहो तो प्याज डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आज स्किप किया है। थोड़ा सा अदरक लहसुन की पेस्ट, आप चाहो तो डाल सकते हैं। देखिए मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट क्यों बाद में डाली, क्योंकि वो स्टर फ्राई करते समय थोड़ा सा, अगर प्याज डाल रहे तो आप अदरक लहसुन की पेस्ट स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्जी भाई। थोड़े से गाजर, ये पार बॉईल किए हुए हैं, और थोड़ी सी पेपर, ये मैंने शिमला मिर्च ली है। क्या कहना भाई, कितनी कलरफुल ये सब्जियाँ और खिली खिली सब्जियाँ, लेट नाइट हम लोग बना रहे, लेकिन बहुत अच्छे से। आर्या कुलाचे जी, सेम वाव। थैंक यू आर्या जी। और ऐसी कौन सी देखिए, ये ना जब भी मिडनाइट सेशन करते मेरे नेबर्स जो है वो बहुत खुश हो जाते कि कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, और सही में ऐसा कुछ होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालती हूँ। वाओ, कलरफुल सब्जियाँ, आप चाहो ना तो महीन काट के प्याज भी डाल सकते हैं, यहाँ मैंने आज नहीं डाला है, अदरक लहसुन की पेस्ट डालिए। इसके साथ देखिए ये जो ना बेशमल सॉस मैंने यहाँ पे बना के रखा है, ये रूफ कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा मैंने पैन पे ना 2 टेबलस्पून अमूल बटर लिया है, उसके साथ 1 टेबलस्पून हमारा मैदा लिया है, अगर मैदा नहीं है मानो तो, ये मेरा थोड़ा ब्राउन दिख रहा है ना, मैंने आटा लिया है, तो वो अच्छे से सेक लेना है बटर में, थोड़ा तेल डालना है, थोड़ा बटर डालना है, उसके बाद ये अच्छे से 1 टेबलस्पून मैदा जो है अच्छे से सेक लेना है, और 1 कप हमारा मिल्क अमूल का डालना है, नमक, और जैसे उबाल आ जाए उसमें ब्लैक पेपर और ऑरेगानो डालना है। बस बन गया हमारा ये बेशमल सॉस। तो बेसिकली ये सब्जियां मैं उसमें डालने वाली हूँ। देखिए वाओ, क्या कलरफुल सब्जियां। दिव्या जी सेइंग हेलो, एंड रिंकू जी इज आल्सो सेइंग हेलो। हेलो रिंकू जी, हेलो दिव्या जी, कैसी हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए बच्चों की जो पार्टीज रहती है उसमें ना ये बहुत काम में आने वाली चीज है। और देखिए ये मैं थोड़ा गैस कम कर देती हूँ, और ये जो पनीर है ना थोड़ा सा महीन काट लेती हूँ, हल्का हल्का छोटा सा, हमारा प्यारा प्यारा अमूल का। और ये जो मैंने रूप बनाया है ये बेशमल सॉस, इसमें मैंने प्रोसेस चीज डाला हुआ है, ठीक,
मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कैसे करना है। मैंने 2 टेबलस्पून और बटर लिया है, उसमें थोड़ा सा तेल डाल के, और फिर क्या किया है उसमें 1 टेबलस्पून मैदा लिया है, उसको अच्छे से सेक लिया है, और उसमें 1 कप मैंने डाला है हमारा अमूल दूध। उसको उबाल आने देना है। उबाल आने के बाद वो थिक हो जाएगा। उसके बाद ब्लैक पेपर और ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाला हुआ है। तो ये हमारा बेशमल सॉस, उसमें मैंने प्रोसेस चीज़ भी थोड़ा सा डाला हुआ है। आप चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन देखिए चीज़ स्लाइस अगर डाल रहे तो, लेकिन ना थोड़ा सा ड्राई कम हो जाएगा अगर आप बेशमल सॉस के में चीज़ मेल्ट कर लेंगे तो। और ये देखिए मैंने सीड निकाले हुए टमाटो से, ताकि देखिए ऐसे लग रहा है बेल पेपर ही है। वाओ क्या कलरफुल, क्या कहने भाई। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ओरिगेनो, थोड़ा सा ओरिगेनो, थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़े से चिली फ्लेक्स में यहाँ पर डाल रही हूँ। अगर आप बच्चों, कौन से बच्चों के लिए, अगर खाते नहीं है बच्चे तीखा तो आप स्किप कर लीजिए। ये देखिए ये ओरिगेनो ये हो गया। वाओ क्या खुशबू क्या कहने भाई। अब ये गैस मैं कर देती हूँ ऑफ। इसमें आप चाहो तो चीज डाल सकते हैं, लेकिन मैं चीज ना ऊपर से डालूंगी। बेशमेल सॉस में तो हमने डाला है, थोड़ा सा इसमें फिर से थोड़ा डालती हूँ, और ताकि ये चीजी बने। क्रीमी और चीजी स्लाइडर ना बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, खासतौर पे बच्चों की बर्थडे पार्टी हो, कुछ भी हो, बच्चे लोगों को अगर खुश करना है तो ये स्लाइडर बहुत बड़ा काम करता है। और देखिए वाओ इसकी रंगत ही चेंज हो गई है। ये गैस ऑफ कर देती हूँ, और इस साइड में मैं दूसरा पैन रखती हूँ। ये गर्म हो रहा है, तब तक हम लोग ये जो है, ये जो हमने बनाया हुआ है, ये ढेर सारी सब्जियों वाला, क्या कहने, कितना कलरफुल। और रिंकू जी और कौन था, दिव्या जी आप और कौन सी, हाँ और आर्या जी, कौन सी रेसिपी और देखना चाहते ये जरूर बताइएगा। अभी गणेश जी आ रहे हैं, तो गणेश जी में कौन सा प्रसाद देखना चाहते ये भी जरूर बताइएगा। तो ये हमारा इसमें मैंने निकाल दिया, इसको मैं देती हूँ, हटा देती हूँ। यहाँ गर्म हो रहा है। अब ये जो हमारे पास ये जो बेशमल सॉस मैंने बना के रखा है, आप चाहो तो चीज स्लाइस या कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये खास तौर पर पसंद है क्योंकि इसमें ना चीज भी मेल्ट होता है। अगर मेल्ट फिर से करने की जरूरत नहीं, हर बार हम लोग माइक्रोवेव नहीं करते हैं। और हाँ, जिनके पास अगर नहीं है माइक्रोवेव, या फिर हर बार यूज नहीं करना चाहते, प्रीहीट नहीं करना चाहते, तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। इससे क्या बच्चों के पेट में जाएगी भी सब्जियां। वाओ क्या कहने। और थोड़ा सा डाल कह रही है, आपकी हर डिश इनोवेटिव होती है एज ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच आर्या जी। हाँ मुझे बहुत इनोवेशन करना अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार बर्गर इसलिए भी पसंद नहीं किया जाता कि थोड़ा ड्राई फॉर्म में लगता है, और थोड़ा चीजी, और थोड़ा सा ज्यादा चीज भी नहीं रहे, और थोड़ा गीला रहे, अच्छा रहे, तो वो शानदार बनता है। देखिए स्लाइडर यानी मिनी बर्गर, इसके ना पाव छोटे से रहते हैं। अगर आपके पास है तो आप ये ले लीजिएगा, क्योंकि बच्चों के लिए तो खास तौर पे ये मैंने कट लगाया है। और इसको लगा देती हूँ थोड़ा सा बटर,
दिव्या जी कह रही है उन्हें चतुर्थी के लिए कुछ क्विक एंड इजी मोदक सीखने हैं। बिल्कुल दिव्या जी, अभी मैं गणेश जी के इसमें क्विक वाले आपको सिखाऊंगी। हर बार मैं गणेश जी की शुरुआत करती हूँ गणेश चतुर्थी की अमूल के साथ, लेकिन इस बार थोड़ा सा मैं बीच में ले रही हूँ सेशन और बिल्कुल चतुर्थी के लिए इजी वे से। और दिव्या जी आप कहाँ से है उस टाइप से मैं थोड़ी रेसिपी डिजाइन करूंगी, आप अगर बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर महाराष्ट्र से है तो मैं उस टाइप से दूंगी। ये देखिए ये बटर, हाँ अमूल मक्खन। मिस्टर जरीवाला आपको वेरी नाइस कह रहे हैं, थैंक यू वेरी मच मिस्टर जरीवाला। और हरिंदर कौर मैडम जी हेलो कह रही है। हेलो हरिंदर कौर जी, कैसी है आप? और आप लोग भी गणेश जी के कौन सा प्रसाद, इतनी सारी जितनी हमारी स्टेट है हर जगह गणेश जी का अलग अलग प्रसाद बनता है भाई। और गणेश जी जब आते हैं तो कितनी खुशी की लहर शुरू हो जाती है, तो ढेर सारे प्रसाद। और हर बार मैंने ना हमारे सेशन की गणेश जी की इसमें शुरुआत की है, इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन जरूर मैं आपके लिए मतलब बहुत इनोवेटिव और अच्छी रेसिपी लेके आऊंगी। आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि कौन से फॉर्म में आप देखना चाहते हैं प्रसाद। ये पिछले 4 साल से मतलब हर बार ही हम लोग एक अलग अलग रेसिपी लेके आ रहे हैं। दिव्या जी कह रही है वो मथुरा यूपी से है और वो भी चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं बहुत। अरे वाह वेरी गुड दिव्या जी, और बहुत अच्छा लगा। और तो ये चतुर्थी आप सेलिब्रेट करते हैं तो मैं बिल्कुल फटाफट होने वाले और बहुत टेस्टी कैसे बनाए जाएंगे ये देखती हूँ। इसको थोड़ा सा स्लेट वाला जगर लेते हैं अब तो उसमें थोड़ी सी लाइनिंग आ जाती है। थोड़ा सा मैं गैस बढ़ा देती हूँ। कितने अच्छे से ये स्लाइडर, देखिए बच्चे वेस्ट ना करे इसलिए भी, और स्लाइस करो ना तो बच्चे निकाल देते हैं, उनको खाने में थोड़ी सी दिक्कत होती, तो ये परफेक्ट है। कोसलाव जैसे ये बनाया अपनी सब्जियां और थोड़ी सी चीजी चीज भी इसमें आ जाए, सब सब्जियां भी आ जाए, और आप चाहो तो टिक्की भी बना सकते हैं। हाल ही में मैंने कुछ बच्चों के लिए बनाया था तो टिक्किया बनाई थी भाई, देखिए क्या गोल्डन कलर आया है। चलिए ये गैस मैंने ऑफ कर दिया है, अब करते हैं इसका। हरिंदर जी कह रही है वो दिल्ली से है। हाँ जी हरिंदर जी। और दिव्या जी कह रही है कि आप प्लीज मथुरा आइए, बी माय गेस्ट। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच दिव्या जी, और आप लोगों का इतना ज्यादा प्यार सही में मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ बिल्कुल आऊंगी और दिल्ली भी आऊंगी और मथुरा भी आऊंगी। मैं हर बार ही बोलती हूँ अमूल को कि सही में हम सब व्यूअर्स को, इतने 4 साल से हम लोग यहाँ एक दूसरे से मिले हैं एक छत के नीचे और एक फैमिली बन गई है ना। थोड़ा सा टमाटो केचप हल्का सा लगाएंगे, क्योंकि हमने जो ये बेशमल सॉस बनाया और सब्जी बनाया है ना उसमें सभी आ गया है, लेकिन थोड़ा चटकदार ये थोड़ा सा सॉस इसके साथ, दूसरी तरफ थोड़ा सा क्योंकि बच्चे आजकल बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा मेयोनीज दूसरी साइड में मैं लगा देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा मेयोनीज, हालांकि चीज सॉस है इतना रिच तो मेयोनीज की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन चलिए भाई बच्चों की पसंद, अगर आप बड़े खा रहे तो वो कम लगाई गया। और इसमें अगर सॉस मिलाते तो 1000 आइलैंड सॉस बनता है, तो मर्जी आपकी। अब देखिए ये जो है मैंने स्लाइस वाला रखा ही नहीं है, ये जो हमारा बेशमल सॉस के साथ ढेर सारी सब्जियां, और ये तार देख रहे हैं ना आप, ये हमारा चीज जो है ये मेल्ट हुआ है। और देखिए वाओ, इसमें ना हम लोगों को कोई स्लाइस डालनी है ना कुछ डालना है, और हमारा स्लाइडर तैयार हो गया है। और इसके बाद ये करारा सा ये आराम से यहाँ पे रखेंगे, और ये देखिए ये जो है यहाँ से भी सीख गया है, ये तिल, तिल वाला ये भी यहाँ पे, आप चाहो तो यहाँ भी थोड़ा सा कुछ प्याज वगैरह डाल सकते हो, लेकिन मेरे
ख्याल से इसमें ना इतनी ढेर सारी सब्जियां डाली है भाई हमने, इसमें चीज है, इसमें पनीर है, इसमें कॉर्न है, शिमला मिर्च है, इसमें सीडलेस हमने टमाटोज डाले हुए, आप प्याज भी डाल सकते हो 3 कलर की, और ये इतनी सारी वेजीज वाला ये बर्गर स्लाइडर और देखिए यहाँ से कैसे ओवरफ्लो हो रहा है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं यहाँ से उठा के यहाँ अपने प्लेट में लेती हूँ। चलिए दो प्लेट, एक प्लेट में दो, आर्या जी कह रही है बहुत सुंदर है और आपके ऑल ओवर इंडिया फैंस हैं। थैंक यू वेरी मच आर्या जी, यहाँ बर्गर भेज दीजिए बिल्कुल आर्या जी जरूर भेजूंगी। तो आज की ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और बेशमिल सॉस अगर नहीं बनाना आया है तो फिर से एक बार मैं बताती हूँ कि बहुत आसान तरीके से है। जैसे 2 टेबलस्पून हमने बटर लेना है, उसमें थोड़ा सा तेल डालना है, तेल क्यों डालना है क्योंकि बटर ना जले, उसमें 1 टेबलस्पून हमने आटा लिया तो भी चलता है, या फिर हम लोग लेते हैं मैदा, उसको अच्छे से भूनना है ना, जैसे हल्का हो जाएगा और खुशबू आना चालू हो जाएगी, उस टाइम पे 1 कटोरी हम लोग क्या करेंगे, अमूल मिल्क दूध डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसको उबाल आने देंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़े से ओरिगेनो, उसमें थोड़ा सा कद्दूकस करके हमारा अमूल चीज, और हमारा बेशमल सॉस तैयार हो जाता है। जैसे उबाला आ जाएगा उसमें थिकनेस आते है, उसको ठंडा कर लीजिए। उसके बाद ये जैसे हमने प्रोसेस की थी सब्जियां स्टर फ्राई करके, उसमें भी चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो डाल दीजिए और हमारा वो बेशमल सॉस मिक्स कर दीजिए। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, और आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं है, आने वाला है मैं गणेश जी बोला था मतलब चेहरे पे खुशी आती है, और मैं बहुत अच्छा चतुर्थी का कुछ प्रसाद लेके आऊंगी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, नमस्ते।